सामने आ रही है खबर ये कि आज ही शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, साथ ही एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती हुई, तो थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद मीडिया से बात भी करेंगे। और जो जानकारी अभी मिल रही है कि आज ही शपथ ली जा सकती है, सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे भी आज शपथ लेंगे। गौरव से फटाफट एक अपडेट लेते हैं। गौरव, खबर ये मिल रही है कि आज ही शपथ ली जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि एक देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ ले सकते हैं। ये तो तय है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। क्या डेप्यूटी सीएम की शपथ जो है वो आज लेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन जो जानकारी यही आ रही है कि आज जब एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं मुंबई, तो वो राज्यपाल के यहाँ संभवतया शपथ ले सकते हैं। और देखिए, पद की शपथ ली जा सकती है, बाकी मंत्री पद की शपथ बाद में कराई जा सकती है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ और संभवतया उप मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है, हो सकता है कि आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ले लें। इस वक्त सूत्रों के फिलहाल हिसाब से यही खबर निकल कर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक संकट महाराष्ट्र का है, उसका पटाक्षेप होता हुआ फिर नजर आ रहा है। जब एक महाराष्ट्र को नई लीडरशिप जो है वो मिल जाएगी, और कल उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद आज जो है एक नया मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस के रूप में महाराष्ट्र को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से एक उम्मीद की जा रही थी कि कोई संभवतया बड़ा कार्यक्रम हो या इस तरह की कोई प्लानिंग, वो अभी उससे हटते हुए जो खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि बिना किसी बड़े तामझाम के फिलहाल जो है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे शपथ ले सकते हैं, जिसके बाद जो है बाकी के मंत्री पद की शपथ जो है वो बाद में करा दी जाएगी और उनके पोर्टफोलियो जो है वो बाद में वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल सरकार पर नियंत्रण बनाने के लिए आज ही शपथ जो है वो संभव है काफी हद तक देवेंद्र फडणवीस। बिल्कुल गौरव, राजभवन से रंजीता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वहां पर किस तरह की तस्वीर आ रही है वो जानकारी रंजीता से लेते। रंजीता दिखाएं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही थी कि राजभवन के बाहर का क्या नज़ारा है। पुलिस पूरी तरह से तैनात है, जिस तरह से यहाँ कॉल किया गया है कि यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ने वाला है, पुलिस अपनी तरफ से लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। मीडिया पर्सन्स को भी कहा जा रहा है कि वो जो सड़क है उसको फ्री छोड़े, ताकि जो काफिला यहाँ पहुँचे तो किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों राजभवन से निकलेंगे, तो जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, गौरव ने, कि मीडिया से बात करेंगे। हालांकि कई सवाल है मीडिया के सामने, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पूरे मामले से खुद को अलग बता रही है। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि आज ही शपथ ले सकते हैं, शाम 7 बजे के आसपास शपथ ग्रहण आज ही हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऐसे में राजभवन में आज पूरा का पूरा जो फोकस है वो रहने वाला है। थोड़ी देर में 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है दोनों नेता पहुंचेंगे, अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर शपथ भी आज ही ली जा सकती है। रंजीता, रंजीता का रुख करेंगे फिर से एक बार। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, आज ही शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। एक बार फिर से अब सूबे की सत्ता की कमान देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। गौरव हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। गौरव, 3:30 बजे के आसपास का वो वक्त बताया जा रहा है जब राजभवन पहुंचेंगे दोनों नेता और उसके बाद आज ही शपथ ले लेंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। यानी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, डिप्टी सीएम शिंदे हो सकते हैं महाराष्ट्र के। बिल्कुल, देखिए फिलहाल यही खबर निकल कर सामने आ रही है। चंद सेकंड में जो है वो देवेंद्र फडणवीस के घर पर एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ जो है उसके बाद एक छोटी सी मुलाकात के बाद जो है वो दोनों ही नेता राजभवन के लिए अग्रसर होंगे, जो कि सागर बंगले से मात्र 5 मिनट की दूरी पर राजभवन स्थित है। और उसके बाद वो अपने दावा पेश करने के जो पत्र है उसको अरुणील हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अरुणील, क्या अपडेट मिल रहा है? बड़ी खबर ये कि आज ही शपथ ली जा सकती है। ये बड़ी खबर हम सूत्रों के हवाले से ला रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि एकनाथ शिंदे जो यहाँ पर अभी सागर बंगले पे आने वाले हैं, जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस पहले से एक मीटिंग कर रहे हैं बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ, एकनाथ शिंदे के पास वो सिग्नेचर है जो उनके पास, जो विधायक उनके पास है, 50 से करीब 50 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, उसमें से 39 विधायक वो शिवसेना के हैं और बीजेपी ने भी कल अपने सिग्नेचर्स ले लिए थे उनके विधायक के।
जब ये दोनों साथ में राजभवन जाएंगे तो ये सिग्नेचर ये हस्ताक्षर गवर्नर को दिखाया जाएगा राजभवन में, और उसके बाद ये सिर्फ ये दोनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनकी शपथ विधि होगी ऐसे हमें पता चल रहा है। बेसिकली देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री की जैसे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों की शपथ विधि आज नहीं होगी ऐसे हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। दोनों भी मीडिया से भी बात करने वाले हैं, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल अनिल, तो लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज ही शपथ ली जा सकती है। डिप्टी सीएम के लिए शिंदे शपथ लेंगे, सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान संभालने वाले। अनिल, आज शपथ इन दोनों नेताओं की हो जाएगी और उसके बाद आगे ये पता चलेगा कि बाकी जो पोर्टफोलियोज हैं वो किसके खेमे से कितने मंत्रियों को दिए जाएंगे।